easy go. तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर कस्टम रूम के वीडियो में। तो गाइस मैच हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट एंड प्लेन पाथ भी अभी दो तीन एक मिनट में हो जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, तो हम आपको पूरा एक्शन एडवेंचर सब दिखाते जाएंगे, कैसे कौन से टीम की कैसे रोटेशन होती है, कौन से टीम कैसे स्ट्रेटजी दिखाती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा मिल्टा पावर से स्टार्ट होता हुआ एंड प्रीमस में एंड हो रहा है हमारा प्लेन पाथ। तो देखते कौन से टीम कहाँ जाती है अभी। लाइक नोवा एक हॉट ड्रॉप है, मिल्टा पावर भी है एंड देन जॉर्जोपुल, देखते हैं कितना टीम प्रिपेयर करेगी कि जाना पसंद करेगी जॉर्जोपुल साइड एंड कहाँ से सबसे पहले कहाँ पे फाइट शो होती है वो देखने को आपको मिल जाएगा। आई थिंक इस बार नोवो में दो टीम जाती हुई एंड मिल्टा पावर में एक ही स्क्वाड है, टीम नंबर 15 एफ के किंग। तो हमारे एफ के की इस पूरी स्क्वाड यहाँ नोवो में जाती हुई दिख रही है हमें पूरी एंड देम टीम नंबर 3 भी है, टीम नंबर 3 लाइक टीम नंबर 3 डी ओर से स्क्वाड खेल रही है। मिलिट्री में भी 3 स्क्वाड है, तो टीम नंबर 7 आई थिंक नोवो में सबसे पहले फाइट स्टार्ट हो गई शायद से। ओह नो, एक्चुअल में यहाँ पे 3 स्क्वाड आ चुके हैं, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि 2, एक्चुअल में 3 है। तो 2 बंदे डियो है वो सिटी साइड एंड देन आउटलॉ को यार शॉट आते हुए एंड देन नो यहाँ पे किलर यहाँ पे हील करते हुए देन टीम नंबर 3 इजीली लूटते हुए, तो उनको इतना कोई प्रेशर नहीं होगा। तो हम आगे चलते टीम नंबर 23 के साइड। यहाँ रॉकी एंड फार ऑफ की पूरी स्क्वाड जा रही है, या आई थिंक वो ये लूटेंगे या रोजक लूटेंगे वो लोग। तो आप हम फिर से नोवो में बैक चलते, लाइक नोवो में मुझे लगता है एक्शन देखने को मिल सकता है इंस्टेंट। यहाँ खिलाड़ी बाबा की पूरी स्क्वाड है, इन आउटलॉ को शॉट आते हुए एंड्रेनिक ने यहाँ पे खिलाड़ी बाबा को नेट से नॉक कर दिया। आई थिंक ये लोग पुश करना प्रिपेयर करेंगे, या ही इज पुशिंग। या कार 98 की भी शॉट आते हुए या फिनिश कर दिया यहाँ पे खिलाड़ी बाबा को रिक ने पूरी। तो यहाँ पे नहीं, खिलाड़ी बाबू को आई थिंक मिल का एयर है उसको, एक चल के आ रहा है
अरे उसको एग्जैक्ट ट्रैप नहीं मिला उसके साथ, चल रहा है। ओ डैडी ने यहाँ पे रिक को नॉक कर दिया है शॉटगन से, देन आउटलॉ ने डैडी को यहाँ पे टॉमी से नॉक, देन तीन नंबर की स्क्वाड पूरा डाय यूनो थर्ड पार्टी मारने वाली पूरी। एफके को यहाँ पे फिनिश कर दिया किलर ने, देन देखते कौन निकलता है, खिलाड़ी बाबा फिर से नॉक, देन किलर से किलर फिर से आउटलॉ को नॉक करते हुए, देन किलर के स्क्वाड को पता नहीं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ रही थर्ड नंबर की स्क्वाड, एंड मोटो अभी भी जिंदा है वो लाइक उस साइड है। अच्छा रिक भी नॉक है, वो भी फिनिश हो जाएगा। ओ खिलाड़ी बाबा रिक फिनिश हो चुका है यहाँ पे, किलर ने उसको फिनिश कर दिया। यहाँ पे मिलिट्री में फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एक टीम नंबर 24। ओ नो टीम नंबर 24 का एक बंदा नॉक है, देन ओ नो पूरा स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है टीम नंबर 24 का। तो यार टीम नंबर 7 की जीत हो चुकी है। टीम नंबर 3 के पास हम वापस से चलते, तो लाइक इन लोगों ने थर्ड पार्टी मार दिया और पूरा मतलब स्क्वाड वाइप अप कर दिया। लाइक क्या करें, मोटू यहाँ से कंटेनर के ऊपर से लाइक स्पॉट करेंगे, ट्राई करेंगे हम मोटू को स्पेक्टेट करके देखते उनके पास क्या है। अरे उनके पास एक शॉट गन, एक लेवल वन का बैकपैक, एंड देन नो हेलमेट एंड नो वेस्ट, एंड देन जॉर्जो पुल में देखते कौन सी स्क्वाड लूट रही। डोमेंटर गॉड वाली स्क्वाड है इधर पूरी, वो पूरा जॉर्जो पुल आराम से लूटेंगे क्योंकि उस साइड इतना कोई नहीं। यहाँ पे क्या वाइपर ने साइनस को नॉक कर दिया है, वाइपर ने फिर से साइनस को फिनिश कर दिया टीम नंबर 23। एंटर हो जा यहाँ फार ऑफ की स्क्वाड एंड पोरुसप्ले के बीच में अभी फाइट आपको देखने को मिल जाएगी। देखते देख कौन सा बंदा किसको पहले स्पॉट करता है, देन कौन यहाँ पे जीतता है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ डीपी के शॉट आते हुए, देन कोई नहीं यहाँ पे इन दोनों स्क्वाड के अलावा। लाइक आपने देखा कि थर्ड पार्टी किससे हुआ नोवो में, तो पोरुसप्ले के स्क्वाड ने फॉल बैक करना सही समझा। यह शॉट आ रहे, यह वाइपर के वाइपर का हेल्थ पूरा लो हो चुका है, लाइक 2 HP बचा है उसका हेल्थ। या पोरस पे की पूरा मतलब हैश वन टीम पूरा फॉल बैक करते हुए स्कूल में जा रही, फॉल बैक कर रहे वो लोग या रश कर रहे। आई थिंक मुझे भी उनका स्टेटस चाहिए, पता नहीं चल रहा एक्चुअल में, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे टीम नंबर 4 के साथ फाइट चल रही शायद से, ओके लिए वो लोग। टिम्बर ओ नो तो पूरा कार से उड़ा दिया, फिनिश कर दिया पूरा स्क्वाड को, लाइक एलिमिनेट ही कर दिया टीम नंबर 20 ने। गेमर सेलो की स्क्वाड थी वो, गेमर सेल की, देन अपने को फाइट मिल जाएगा 23 नंबर की स्क्वाड। 23 फिर से फार ऑफ की साइड हमारे,
या M4 का 4x भी अच्छा स्प्रे देते हुए RDX, लेकिन वाइपर ने पोरसप्ले को पूरा फिनिश कर दिया। देन TS बीस्ट ओपी की हेल्थ रिकवर करते हुए वो लोग उनके ऊपर से उस साइड से रश हो रहा है। देन पुश के ऊपर पीछे से रश हो रहा है, वो नेड आते हुए यहाँ पे अच्छा सा प्यारा नेड आते हुए, वो हेल्थ कम हो गए, वन मोर नेड आते हुए एक बीस्ट ओपी को भी नॉक एंड फिनिश करेंगे वो लोग। यहाँ मॉल आया एक्चुअल में सेकंड टाइम। एंड देन स्मोक एंड यहाँ हैश नंबर वन पोरसप्ले की पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो चुकी है। फॉर अपने यहाँ पे अच्छा उनकी स्क्वाड ने अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ फर्स्ट एयर ड्रॉप आते हुए, आई थिंक ये सेकंड है, प्लेयर है क्या एक्चुअल में, तो प्लेयर ड्रॉप में चेक करेंगे क्या आया है। तो AWM एंड ग्रोजा और लेवल 3 का पूरा गेस्ट एंड लेवल गिल्ली सूट एंड सिरिंच अभी आते हुए अच्छा कम्बो है AWM में अभी। टिक कैसे चलाते लाइक ओपी हो जाएगी इस मैच में तो पूरा। देन फर्स्ट ड्रॉप भी इसी साइड हुआ है एक्चुअल में। तो यहाँ पे ब्रिज कैम करेंगे हमारे क्रॉस निंजा की स्क्वाड पूरी टीम नंबर 20 एक क्रॉस। हाँ ये पूरा इरादा इन लोगों का कि लाइक ये लोग ये करेंगे पूरा ब्रिज कैम्प की तैयारी में अभी। यहाँ पे हम SNI की टीम नंबर 6 यहाँ SNI लौटते हुए आपको देख सकते हैं। टीम को गो आ देते हैं उन लोगों की पूरी स्क्वाड है यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड एयर ड्रॉप आते हुए ओनो एक्चुअली ये भी फ्लेयर ड्रॉप है क्या बात है, इसमें देखते क्या कम्बो है। तो यहाँ पे MK14 एंड M249 का अच्छा खासा कम्बो है। देन लेवल 3 का पूरा गियर नो लेवल वेस्ट एंड हेलमेट आए एंड देन एक्सटेंडेड क्विप का स्नाइपर का है जो भी अच्छा कम्बो हुआ। MK ओपी हो जाएगा क्लोज रेंज में। M249 तो पूछो मत 100 का रिलोड कितने भी बंदे मारो गोले खत्म मत कर। देन नेक्स्ट चलते अभी कहाँ पे देखने को आपको फाइट मिल जाएगी वो हम ट्राई करेंगे शो करने का। तो यार नेक्स्ट जोन बनता हुआ तो लाइक फेरे साइड जोन बनाए थोड़ा। यहाँ पे थर्ड एयर ड्रॉप आते हुए तो हम देखेंगे इसमें क्या आया है हमारा नॉर्मल ड्रॉप। इसमें भी AWM विद सब AWM विद लेवल 3 का पूरा गेयर एंड देन एक AR सप्रेसर आया है। ये भी अच्छा कम्बो देखते हैं ड्रॉप कौन लूटेगा। यहाँ पे क्या नंबर 4 की यहाँ पे लाइक फाइट होने के चांसेस पूरे है। रेंडर हो जा आप M249 का यूज करते कौन सी स्क्वाड कर रहे हैं हमें दिख नहीं रहा एक्चुअल में। एंटर नहीं हो रहा था गाइस टीम नंबर 20 यहाँ पे ड्रॉप पे पूरी स्क्वाड आते हुए लाइक वन दो स्क्वाड है तो टीम नंबर 20 का एक बंदा नॉक है देन टीम नंबर 7 का एक नॉक है या नॉक करते हुए टीम नंबर 20 का एक ही बंदा जिंदा है। लाइक वो देखता है क्या स्ट्रेटजी दिखा निकाल देगा क्या वो पूरा गेम प्ले। उन्होंने टीम नंबर 20 के पूरे स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई एंड देन थर्ड पार्टी कोई तो कर रहा है थी ओ नो टीम नंबर 4 पूरी थर्ड पार्टी की ट्राई करे और टीम नंबर 4 का टीम नंबर 7 के बंदा जिंदा है शाडो एंड टीम नंबर 4 ने फिर से थर्ड पार्टी करती हुई यहाँ पे या अच्छा सा स्प्रे जाते हुए डोमिनेटर को। देन डेड गॉड यहाँ पे रोटेट लेते हुए उनके ऊपर शाडो के ऊपर एंड यहाँ पे शाडो आई थिंक फॉल बैक करना प्रिपेयर करेंगे नो यहाँ पे उन दोनों टीम नंबर 4 ने रश मार दिया एंड शाडो डेड गॉड विल बी नॉक एंड शाडो विल बी फिनिश। देन अच्छा परफॉर्मेंस बाय टीम 4 डोमिनेटर यहाँ पे उनके लोगों के पास अच्छा कम्बो हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चलते
टीम नंबर 23 को देखते हैं उनका क्या चल रहा है। यहाँ पे रश गार्ड उनकी स्क्वाड पूरा धीरे से चलते हुए जोन में रोटेशन लेते हैं। फाइट आई थिंक ये लास्ट लेना प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप नंबर 5 आते हुए तो देखते हैं ड्रॉप में क्या है इस बार। तो इस बार वे वाले भी मैं इस वाले भी ड्रॉप पे डब्ल्यू में तैयार सप्रेसर एंड देन एक सिरिंज एंड पूरा लेवल 3 का गेरा तो प्यारा कम्बो आता हुआ यहाँ पे। बाकी देखते हैं ड्रॉप कौन लूटेगा। आई थिंक टीम नंबर 23 के चांसेस से लूटने के एंड देन टीम नंबर 16 का आई थिंक एक ही मैन अलावे नो इट्स 2 vs 4 स्क्वाड यहाँ पे खेलते हुए बर्ड गेमिंग की पूरी बर्ड गेमिंग। एंड टीम नंबर 12 यहाँ पे पूरा मतलब लाया प्रीमोस लूटते हुए इन लोगों के पास 2+1 3 किले यहाँ पे। एंड टीम नंबर 3 यहाँ पे ड्योर्स स्क्वाड उन लोगों के पास 4 किले है एंड देन वो लोग पानी से जाना प्रिपेयर करेंगे। उन लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैम्प होने के पूरे चांसेस है तो उन लोगों के पास एक लेवल 3 का बैकपैक, लेवल 2 का वेस्ट, वो डैमेज है थोड़ा, लेवल 1 लेवल 2 वे हेलमेट, 5 बैंडेज, एक फर्स्ट एड, देन एक पेन किलर एंड देन एक ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक है। तो यहाँ जोन नेक्स्ट बिल्ड होता हुआ जोन यहाँ पे नेक्स्ट जोन अभी बिल्ड होता है। देखते कहाँ लेगा नेक्स्ट जोन बनेगा अपना। टीम नंबर 23 के ऊपर आई थिंक हो चुकी फाइट हो चुकी उन लोगों की। या डीपी का स्प्रे आते हुए पूरा टीम नंबर 6 से यहाँ पे वाइपर ने फिर से अमन को नॉक कर दिया। यहाँ पे एकेएम का अच्छा स्प्रे उन वहाँ पे अच्छे से ग्रेनेड एंड देन ही विल बी नॉक एंड डैमेज वो डैमेज से बचे वो लोग। आरडेक्स ने अमन को नॉक कर दिया यहाँ पे एंड देन आदित्य ने वाइपर एंड गॉड ने आदित्य को नॉक, दादा ने रश गॉड को। या 1 vs फार ऑफ अकेले बचते हुए अपने स्क्वाड का पूरा फार ऑफ ने फिनिश हो यहाँ पे फार ऑफ की स्क्वाड पूरा वाइप आउट होते हुए एंड अच्छा परफॉर्मेंस बाय टीम 6। 3 vs 4 खेल रहे थे वो, एक एक किल है दोनों के पास। देन आदित्य एंड अमन के पास एक एक किल है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम 6 दिखाते हुए। यहाँ पे 16 बंदे अलावे 6 टीम्स 16 बंदे एंड 6 टीम अलावे यहाँ पे। तो एयर ड्रॉप आई थिंक किसी ने लूटा होगा ये वाला हो जा रेंडर। या किसी ने भी नहीं लूटा आई थिंक। टीम नंबर 19 यहाँ पे 16 और या उन लोग उसके सारे बंदे मर चुके। ओ नो यहाँ पे जोन बनता हो नेक्स्ट लाइक ब्रिज के साइड बनाए जोन फिर पेयर साइड। टीम नंबर 3 जाते हुए आई थिंक क्लोज नंबर 4 स्क्वाड के साथ डोमिनेटर के साइड क्लोज जाते हुए नो ही विल बी कॉल बैक। देखते हैं अभी कौन सा आखिर के जब भी जोन हो उनके स्टार्ट तो देखते हैं कौन सी टीम कैसी स्ट्रेटजी शो करती है अभी और देखते हैं कौन सा टीम यहाँ पे चिकन डिनर निकलती जाती है। यहाँ आदित्य की पूरी 6 नंबर की स्क्वाड यहाँ पे आते हुए तो उनमें रेड जोन से आ रहे वो लोग। ओ इन
आरवी के पास एडब्ल्यूएम में क्या बात है, अभी तो होगा एडब्ल्यूएम का शॉर्ट पड़ेंगे अपने को देखने को मिल जाएगी। टीम नंबर सिक्स की स्क्वाड आती है बट इन लोगों ने आई थिंक ये ड्रॉप इन लोगों ने चेक नहीं किया पूरा या शी विल बी नॉट चेकिंग ड्रॉप एंड देन नेक्स्ट ड्रॉप आते हुए ड्रॉप नंबर सिक्स एंड देन देखते ड्रॉप में क्या है। एम के 14 एंड देन एक ए आर सप्रेसर एंड पूरा लेवल 3 का गियर। ए ड्रॉप पानी में है तो कोई जाना मुझे नहीं लगता प्रिपेयर करेगा पानी में, थोड़ा रिस्क टाइप रहेगा रिस्की। यू आप गए तो आपको डायरेक्टली फिनिश कर दिया जाएगा, वहाँ पर नॉक करने की जरूरत नॉक तो अप हो गई नहीं। यहाँ पे क्या टीम नंबर 12 की कोई अलग सी स्ट्रेटजी में देखते हैं, वो लोग बोट से जाना प्रिपेयर कर रहे हैं में। या उनका एक बंदा आगे पानी से बोट से जाते हुए एंड बाकी टीम फिर से सेकंड वाली बोट लेके आ रहे, वो लोग क्या स्ट्रेटजी। यहाँ पे टीम नंबर 4 यहाँ पे मुझे लगता है वो लोग यहाँ पे चिकन डिनर निकलने के चांसेस से उन लोगों के जैसे उन लोग परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक 2v4 है इधर तो मुझे नहीं लगता टीम नंबर 3 कुछ यहाँ पे इतना फाइट लेने का भी ट्राई करे क्योंकि वो थोड़ा नेक्स्ट वाले जोन में फाइट लेना पसंद करेंगे बट क्या डोमिनेटर वहाँ पे जा रहे, क्या पता वो स्पॉट करते कि नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते तो आगे यहाँ पे टीम नंबर 12 भी यहाँ पीछे आ चुकी है डेक के ऊपर तो देखते हैं इन लोगों को पता नहीं होगा आई थिंक ये क्या यहाँ पे टीम नंबर 4 है तो लेट्स सी। तो टीम नंबर 19 का एक बंदा आई थिंक वो बाहर है जोन क्या है, ही इज आउटसाइड ऑफ जोन आई थिंक, उसके पास व्हीकल था। तो यहाँ पे नेक्स्ट जोन श्रिंक होता है, नेक्स्ट जोन बनाए ब्रिज के पास बनाए यहाँ पे एंड आई थिंक यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुके है टीम नंबर 4 की। आई थिंक गॉड ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है नंबर 3 को एंड देन स्ट्राइक की टीम पीछे से आ रही। या शी विल बी पुशिंग एंड डायरेक्टली चारों अंदर घुसते हुए या नेड आते हुए देन देखते नॉक होता है कि नहीं के नेड से बंदा एंड ही विल बी नेडिंग नाउ एंड यहाँ पे एक बंदा 3 नंबर 3rd का एक नॉक एंड देन ही विल बी पुशिंग डोमिनेट पुशिंग एंड M249 स्प्रे एंड डोमिनेट विल बी नॉक एंड यहाँ पे 3 नंबर 3-4 ही वाइप आउट हो चुके एंड वेल परफॉर्मेंस बाय टीम 4। तो आई थिंक ये लोग चिकन डिनर निकाल के जाएंगे, लेट्स सी। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग चिकन डिनर निकालेंगे पूरा चांस वैसे है क्योंकि इनके पूरी टीम परफॉर्मेंस लाइक बेटर कर रही है। तो यहाँ पे टीम नंबर 19 का एक सोलो वो भी जोन में आ चुका है, भी वो जोन में जाएगा प्ले जोन से तो बाहर आ चुका है वो। टीम नंबर 6 अब भी जोन में एंड देन बर्ड गेमिंग की स्क्वाड भी पूरी लाइक डिओ ही वो भी जोन में एंड टीम नंबर 12 विल बी मूविंग ऑन जोन। यहाँ पे नेक्स्ट ड्रॉप आते हुए टीम ड्रॉप नंबर 7 है, यहाँ पे देखते कौन क्या आएगा इस वाले ड्रॉप में। यहाँ पे WM विथ लेवल 3 का पूरा गियर है, एक दिन एक सीरेंज आएगी आ चुके है। इस वाले मैच में कुछ ज़्यादा AW मैंने देखा, आई थिंक 5 या 6 ड्रॉप में तो AW में आ चुकी है। लाइक देखते हैं ड्रॉप ए वाला ड्रॉप कौन लूटता है, जोन विल बी श्रिंकिंग
एंड यहाँ पे टीम नंबर 19 की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। आदित्य ने उसको डीपी का स्प्रे दे चुका है एंड ही विल बी एलिमिनेटेड। लाइक जोन में भी बच्चे 13 बंदे नाला भी है, 13 बंदे आए हैं एंड 4 स्क्वाड है पूरी। तो देखते कौन से स्क्वाड कंटेनर निकल के जाए। तो यहाँ पे देखते कौन टीम नंबर 4 के 4 बंदे आए हुए हैं, टीम नंबर 6 3 बंदे आए हुए, टीम नंबर 12 के भी 4 आए हुए हैं, बर्ड गेमिंग के भी 2 बंदे आए हुए। तो 2 स्क्वाड को एडवांटेज है। एक लाइक देखते हैं अभी कैसा परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट जोन विल बी एंड वो थोड़ा ओपन साइड जा रहा है, रिश के साइड जा रहा है एंड टीम नंबर 12 यहाँ पे जोन में है वो लोग एंड डोमिनो एंड टीम नंबर 4 कहाँ पे जा रहे हैं वो लोग, आई थिंक ड्रॉप पे जाने का पसंद, ड्रॉप पे जा रहा है आई थिंक उनका एक बंदा। मुझे नहीं लगता वो ड्रॉप पे जाएगा। ओ नो नो नो, यहाँ पे फाइट स्टार फाइट हो सकती होने के बहुत चांसेस है। लाइक थोड़ा क्लोज में स्क्वाड 3 वर्सेस 4 की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्रिएटेड एंड ही विल बी स्पॉटिंग और नॉट। या उन लोगों ने यहाँ पे शॉट देके उन लोगों को बता दिया कि हम इधर ही है। हम ऊपर से थोड़ा एंगल दे इनका व्यू ट्राई करेंगे लाइक कौन सा बंदा कैसा दिखाता है। यहाँ पे निंजा वहाँ से फ्लैंक करते हुए राइट से पूरा वो लोग फ्लैंक कर रहे एंड लाइक 3 vs 4 थोड़ा हार्ड जाएगा। आई थिंक इन लोगों ने स्मोक डाला है एंड आदित्य विल बी नॉक बाय निंजा। गाइस यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, प्रोनाउंस है किसी टीम का नाम गलत रहता तो उसके लिए भी सॉरी। देन यहाँ पे निंजा क्लोज इन करते हुए स्ट्राइक ओपन ने डेरिक्स को उड़ा दिया एम अमन नॉकआउट बाय निंजा बाय डीपी का स्प्रे आता है उसको एंड निंजा विल बी फिनिश। निंजा को यहाँ पे पूरा फिनिश कर चुके हैं। या लाइक 3 vs 3 का सिचुएशन फिर से क्रिएट हो चुका है, लाइक बराबर की फाइट है। आई थिंक वो गलत मूव था निंजा का बट आई डोंट नो इन लोगों की कुछ अलग स्ट्रेटजी होगी। तो लाइक यहाँ पे ओपन इंडेक्स पूल को नॉक एंड फिनिश करते हुए एंड देन ओपी ने फिर से बर्ड गेमिंग किया, पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो चुके हैं। तो 10 बंदे बचे, 3 स्क्वाड है पूरी। लाइक देखते कौन सी स्क्वाड अभी चिकन डिनर निकालेगी क्योंकि स्ट्राइक की स्क्वाड के पास 4 बंदे अलग है अभी एंड जोन विल बी मूविंग ऑन ओपन ले जाएगा। तो इस बार टीम नंबर 12 क्लोज इन है। यहाँ पे मोलोटोव आते हुए MT नंबर 4 जोन में जाना प्रिफेयर कर रहे हैं, आई थिंक ही विल बी फॉल बैक एंड आदित्य की भी पूरी स्क्वाड यहाँ पे जोन में जा रही वो भी। यहाँ पे कुछ डिसीजन लेते हुए वो लोग टीम नंबर 4 या टीम नंबर 12 को पता चल गया है बंदे स्प्रे आते हुए नॉक एंड ओपन इन आरवी को नॉक करते हुए एंड गॉड पे नॉक है। यहाँ पे टीम नंबर 4 के 2 बंदे नॉक है एंड टीम नंबर 12 का एक बंदा नॉक है। क्या वो लोग रश करेंगे एंड स्ट्राइक विल बी नॉक एंड वन नेड आते हुए क्या स्मोक आ रहे एंड नंबर 4 विल बी एलिमिनेटेड। या 4 vs 3 का सिचुएशन क्रिएट होते हुए या डीपी का स्प्रे आते हुए लगते कौन सा अमन नॉक हुए यहाँ पे आदित्य से भी। तो वो लोग अपने एक बंदे को बचाएंगे फिर भी जोन में आप को नेक्स्ट वाले रोटेशन इन लोगों के लाइक ऐसा फाइट लेते आखिर के जोन में आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे स्मोक का कवर बनाते हुए वो लोग आके जाना प्रिपेयर करेंगे स्मोक के थ्रू। एंड टी नंबर सिक्स विल बी अप्लाई सिम स्ट्रेटजी। टी नंबर 12 के पास थोड़ा क्लोज होने बट थोड़ा ओपन में जोने, या कार 98 की शॉट आते हुए यहाँ पे अमन कार 98 टीम को ने यहाँ पे बोल्ट को कर दिया नॉक। एंड अमन ने यहाँ पे पकड़ लिया शायक एंड अमन विल बी नॉक। ओपी ने यहाँ पे उसको नॉक किया है एंड स्ट्राइक विल फिनिश। उनका ये टीम नंबर 12 का एक बंदा नॉक फिनिश है एंड वो लोग नेड कर रहे टीम नंबर 6। यहाँ पे अमन का बहुत हेल्थ लो हो रहा है, इंस्टेंट लो हो रहा है। ओ नो, वहाँ पे इनका एक बंदा नॉक किया एंड देखते कौन बंदा, सॉरी कौन सी टीम निकलती है चिकन डिनर। अमन विल बी, अमन यहाँ पे फिनिश होते हैं एक बंदा लाइव एंड टीम नंबर 12 विल बी चिकन विनर, विनर चिकन डिनर। यहाँ पे स्ट्राइक की पूरी स्क्वाड यहाँ पे जीत चुकी है तो लाइक इन लोग के किल हो चुके पा 9 किल हो चुके इन लोगों के। तो अच्छा भाई जी जी गाइज, सब स्क्वाड अच्छा खेली। टीम गोगो के है यहाँ पे 9 किल है एंड निंजा के स्क्वाड के यहाँ पे है 6 किल है यहाँ पे, और बाकी सब स्क्वाड अच्छा खेली।